बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्लास सेवन। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड एंड आई एम साबरीन, योर इंग्लिश टीचर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर इंग्लिश रीडर, लेसन नंबर 3, द वाइट विजिटर। स्टूडेंट, दिस इज़ आर फर्स्ट चैप्टर ऑफ एसे 1। ओके, सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड and open your page 31 with the chapter. Students, here we are on the chapter, page number 31, chapter number 3, the white visitor. White visitor, visitor किसे कहते हैं बच्चों? अगर कोई हमसे मिलने आता है, हमारे घर विजिट करता है, तो हम उसको विजिटर कहते हैं। तो यहाँ पर किसी white visitor के बारे में बात हो रही है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा वाइट विजिटर है, किस वाइट विजिटर के बारे में बात हो रही है। दिस टाइम यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है वो है वाइट विजिटर, यानी सफ़ेद मिलने आने वाला। लेट्स स्टार्ट विथ क्विक स्टार्ट हियर। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ फेयर, डिस्कस। आपके अकॉर्डिंग डर क्या होता है? फेयर कहते हैं डर को। आपके अकॉर्डिंग डर क्या होता है? नेक्स्ट है, डू यू लाइक रीडिंग हॉरर और घोस्ट स्टोरीज़? क्या आपको डरावनी और भूत वाली स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है? गिव योर व्यूज़ अबाउट व्हाई यू लाइक और डिसलाइक देम। आप अपने व्यूज़ दीजिए कि आपको वो क्यों पसंद है और क्यों नापसंद है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज़ इट गुड टू बी सुपरस्टिशियस और नॉट? सुपरस्टिशियस होना गुड है, अच्छा है या बुरा है? गिव सुटेबल रीजन्स टू सपोर्ट योर व्यू पॉइंट। आप अपने व्यू पॉइंट को क्लियर कीजिए। दीज आर द questions of quick start. You can write the answer of these questions roughly on a rough copy so that you can you are able to answer these questions. Okay, this is like a play. बच्चों, ये जो हमारा chapter है ये एक play की तरह से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इसमें पहला act दिखाया जाता है, this one, first act, जिसमें first act में कौन सा scene होता है ये आपको नज़र आएगा। देखिए, पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता। कोलकाता के कालीघाट नाम की जगह पर एक ऑफिस होता है। ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस, और ऑफिस की जो वॉल्स होती हैं उन पर देयर आर सेवरल नोटिसेस अबाउट हाउसेज एंड शॉप्स फॉर सेल। वहाँ पर उसकी दीवार पर बहुत सारे सेवरल बहुत सारे नोटिसेस, जो नोटिस होते हैं घर के और दुकानों की बिक्री के, बहुत सारे नोटिसेस हैं उस दीवार पर। द टाइम इज़ अबाउट 10 इन द मॉर्निंग। टाइम क्या है? सुबह के 10 बजे का टाइम है। मिस्टर चौधरी इज़ राइटिंग एट अ टेबल। मिस्टर चौधरी जो है वो टेबल पर कुछ लिख रहे हैं। डॉक्टर दास वॉक्स इन। डॉक्टर दास आते हैं, वॉक्स इन अंदर आते हैं। दास, पहली कन्वर्सेशन किसकी है? डॉक्टर दास की, जो कि अंदर आते हैं। गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी? वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, क्या आप मिस्टर चौधरी हैं? चौधरी, अब चौधरी उनको आंसर करते हैं, प्लीज़ सिट डाउन। दे बोथ सिट। चौधरी कहते हैं कि कृपया आप बैठ जाइए, और वो दोनों बैठ जाते हैं। दास, अब दास कहते हैं, आई एम डॉक्टर दास, मैं डॉक्टर दास हूँ। आई हैव कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट। मैं कालीघाट में रहने और काम करने आया हूँ। एंड आई नीड अ हाउस, और मुझे एक घर की ज़रूरत है। चौधरी उनकी बात का जवाब देते हैं, आई सी, अच्छा। You are ready to buy a house, I suppose, मुझे लगता है कि आप एक घर खरीदने के लिए तैयार हैं। दास, yes, हाँ, if it does not cost too much, अगर इसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है। चौधरी, it is not very easy to present, at present, चौधरी कहते हैं, it is not very easy at present, ये इस समय में, present में यानी current time में बहुत easy, ज़्यादा easy नहीं है, इतना आसान नहीं है। डॉक्टर दास, A lot of people are coming to live here. यहाँ पर रहने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। And there are not many houses. और यहाँ पर बहुत घर भी नहीं हैं। The prices are going up very weak. The prices are, जो रेट हैं, are going up, वो ऊपर जा रहे हैं हर हफ्ते, हफ्ते दर हफ्ते रेट ऊपर जा रहे हैं। दास, दास कहते हैं, डॉक्टर दास कहते हैं, वेल, अच्छा, कैन यू गिव मी सम आइडिया, क्या आप मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं इस बारे में कि अब मैं क्या करूँ? टर्न द पेज। चौधरी, देयर इज़ अ नाइस हाउस, एक बहुत अच्छा घर है। ही पॉइंट्स टू द नोटिस ऑन द वॉल।
वॉल पर एक नोटिस की तरफ पॉइंट आउट करके कहती हैं कि ये बहुत अच्छा घर है, द ओनर वांट्स 10 लाख, लेकिन जो घर का मालिक है उसको 10 लाख रुपए चाहिए। दास, तो दास कहते हैं उसके जवाब में, ओह दैट्स टू मच फॉर मी, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। इजंट देयर अ हाउस फॉर लेस देन दैट, क्या इससे कम में कोई घर नहीं है? चौधरी, हाउ मच आर यू रेडी टू पे, आप कितना पे कर सकते हैं, आप कितना पे करने के लिए तैयार हैं? दास, वेल अच्छा, आई थॉट अबाउट 5 लैक्स और अ लिटिल मोर, मैंने तो 5 लाख या इससे ज़्यादा सोचे थे। चौधरी, यू वोंट फाइंड अ हाउस एट दैट प्राइस हेयर, इस रेट में आपको यहाँ कोई घर नहीं मिलेगा। दास, व्हाट्स दैट, तब क्या? ही पॉइंट्स टू वन ऑफ द नोटिसेस, व्हाट्स दैट, दास जो हैं वो एक घर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं नोटिस में, जो नोटिसेस दीवार पर लगे हैं उन नोटिसेस में से एक घर की तरफ पॉइंट आउट करके कहते हैं, व्हाट्स दैट, वो क्या है? चौधरी, दैट्स शांति भवन, वो शांति भवन है, बट यू डोंट वॉन्ट दैट ऑफ कोर्स, लेकिन आप ये नहीं चाहते होंगे, मुझे लगता है, मैं बिल्कुल ऐसा सोचता हूँ कि आपको वो नहीं चाहिए। दास, भाई क्यों, व्हाट्स द मैटर विद इट, इसके साथ क्या मामला है, वेयर इज़ इट, ये कहाँ है? चौधरी, इन द मिडिल ऑफ द टाउन, ये टाउन के बिल्कुल मिडिल में है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। This one. दास, वेल अच्छा, दैट विल सूट मी वेरी वेल, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा सूट करेगा, मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हाउ मच इज इट, ये कितने का है? चौधरी, 3 लाख और सो, वो कुछ हिचकिचाते हुए, चौधरी जो है वो कुछ हिचकिचाते हैं और हिचकिचाते हुए कहते हैं 3 लाख का और इतने ही लगभग। दास, इज दैट ऑल, दास कहते हैं यही सब, इतने में ही? दैट्स नॉट मच, ये तो ज़्यादा नहीं है। इज इट, Why such a low price? इसका प्राइस इतना कम क्यों है? चौधरी, It has not always been as low as that. यह हमेशा इतना कम नहीं था। मिस्टर घोष wanted 6 लाख at first. मिस्टर घोष जो थे, जिनका ये घर था, वो पहले 6 लाख चाहते थे। Then the price fell to 4 लाख. फिर उसका प्राइस 4 लाख पर आ गया, कम होकर, now it's just 3 लाख. अब ये 3 लाख पर आ गया है। बट नो वन वॉन्ट्स दैट हाउस, लेकिन किसी को भी ये घर नहीं चाहिए। दास, दास कहते हैं भाई क्यों नहीं चाहिए? चौधरी, वेल, फिर से वो हिचकिचाते हैं। चौधरी, द ट्रूथ इज, सच है। दास, गो ऑन, बताइए बताइए, डोंट यू वॉन्ट टू सेल इट, क्या आप इसको नहीं बेचना चाहते? इज इट इन अ बैड स्टेट, क्या ये बुरी कंडीशन में है? चौधरी, ओह नो इट्स इन गुड ऑर्डर, नहीं ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, बट देयर आर सम स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट शांति भवन, लेकिन शांति भवन के बारे में कुछ अलग अलग अजीब सी स्टोरीज हैं। द ओनर वॉज अ वूमेन, जो इसकी ओनर थी वो एक औरत थी, मिसिस घोष, शी डाइड इन द हाउस 2 ईयर्स अगो, वो 2 साल पहले घर में मर गई थी। शी वॉज नॉट अ हैप्पी वूमेन बट शी लव्ड शांति भवन, वो खुश औरत नहीं थी, मतलब वो खुश नहीं थी, लेकिन वो शांति भवन से बहुत प्यार करती थी, एंड पीपल से, और लोग कहते हैं दैट शी कम्स बैक इन द नाइट टू विजिट हर ओल्ड हाउस, कि वो घर का विजिट करने के लिए रात में आती हैं, अपने पुराने घर का विजिट करने रात में आती हैं। दास, व्हाट, 2 ईयर्स आफ्टर हर डेथ, वो अपनी मौत के 2 साल के बाद, वेल आई डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग, मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, कैन यू टेक मी टू द हाउस नाउ प्लीज़, क्या आप मुझे घर उस घर में ले जा सकते हैं? टर्न द पेज स्टूडेंट्स। चौधरी, जब मिस्टर दास उनसे कहते हैं कि क्या आप मुझे उस घर में ले जा सकते हैं, तो चौधरी कहते हैं आई कैन डू सो इफ़ यू विश, अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट यू मस्ट नॉट बाय दैट हाउस, लेकिन आपको ये घर नहीं खरीदना चाहिए। दास, प्लीज़ शो मी इट टू मी, प्लीज़ ये मुझे दिखाइए। चौधरी, सैडली, चौधरी दुख से कहते हैं, एज यू विश, जैसा आप चाहें, दे गो आउट टूगेदर, वो साथ साथ चले जाते हैं। द सेम ऑफिस एन आवर लेटर, एक घंटे बाद उसी ऑफिस में। दास एंड चौधरी वॉक्स इन एंड सिट डाउन, दास और चौधरी दोनों आते हैं और बैठ जाते हैं। दास, आई विल बाय शांति भवन, हु इज़ द ओनर, दास कहते हैं कि मैं शांति भवन को खरीदूंगा, मालिक कौन है? चौधरी, मिस्टर घोष, मिस्टर घोष, ही लिव्स इन चेन्नई, वो चेन्नई में रहते हैं। ही इज़ द डेड वुमेंस ब्रदर, वो जो औरत मर चुकी हैं वो उनके भाई हैं। ही वॉन्ट्स टू सेल इट, वो इसे बेचना चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ बिल्कुल, नो वन वॉन्ट्स टू लिव देयर, विद ऑल दीज स्टोरीज अबाउट वाइट विजिटर, एक वाइट विजिटर की स्टोरी है जिसको लेकर कोई भी वहाँ नहीं रहना चाहता है। दास, आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज, दास कहते हैं कि मैं इस तरह की स्टोरीज में बिलीव नहीं करता हूँ। चौधरी,
वेल अच्छा डोंट कम बैक टू मी लेटर एंड से दैट आई डिड नॉट वॉर्न यू अबाउट दीज थिंग्स अर्लियर। अब चौधरी उनसे कहते हैं डॉक्टर दास से, अच्छा डोंट कम बैक टू मी लेटर, बाद में मेरे पास मत आना, एंड कहते हुए कि दैट आई कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया था इन सब चीज़ों के लिए, पहले मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया था। दास, विल मिस्टर घोष लेट मी स्लीप इन शांति भवन फॉर अ नाइट बिफोर आई बाय इट। दास कहते हैं क्या शांति भवन में मुझे मिस्टर घोष एक दिन के लिए सोने देंगे इसको खरीदने से पहले। चौधरी, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं लगता, बट इट इज़ नॉट द हाउस फॉर यू, लेकिन ये तुम्हारे लिए, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। दास, प्लीज़ राइट एंड आस्क हिम, प्लीज़ उनको लिखिए और उनसे पूछिए, इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट आई विल स्पेंड द नाइट द हाउस नेक्स्ट ट्यूजडे। अगर वो मुझे ऐसा करने देंगे, इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट, यानी अगर वो मुझे ऐसा करने देंगे आई विल स्पेंड तो मैं गुजारूंगा द नाइट द हाउस नेक्स्ट ट्यूजडे, तो नेक्स्ट ट्यूजडे की रात मैं वहाँ पर उस घर में, उस घर को खरीदने से पहले गुजारूंगा। चौधरी, वेयर विल यू स्लीप, आप कहाँ सोओगे, एंड वॉट अबाउट लाइट, और लाइट के बारे में, देयर इज़ नॉट एनी ओवर देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, वहाँ पर कोई भी नहीं है। दास, लुक आई एम एन ओल्ड सोल्जर, मैं एक पुराना सिपाही हूँ, आई हैव अ स्मॉल कॉट, मेरे पास एक छोटी चारपाई है, एंड अ स्मॉल लैम्प टू, और मेरे पास एक छोटा सा लैम्प भी है, आई विल टेक देम विद मी, मैं वो अपने साथ ले जाऊँगा। चौधरी, एज यू विश, जैसा आप चाहें। टुडे वी विल कम्प्लीट टिल हेयर ओनली स्टूडेंट्स, ओके, वी विल कम्प्लीट आर चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, टिल देन गुड बाय।